Manipur is burning. And shame, shame. Manipur is burning. And the women are raped and naked, paraded, everything. And Prime Minister is keeping quiet. He is giving a statement outside. हम सदन दोनों सदनों में चर्चा करने के लिए तैयार है। मणिपुर से एक संवेदनाशील विषय है, एक मानव संबंधित बहुत बड़ा संवेदना का विषय है, इसलिए हम चर्चा करना चाहते हैं और चर्चा के उत्तर भी डिटेल में गृह मंत्री जी देगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, कृपया सुचारू रूप से सदन चलाने के लिए सहयोग करें, लोग देख रहे। एक कहावत है, इधर उधर की बात मत कर, बता कपिला कैसे लूटा। जब मणिपुर की बात हम मांग रहे हैं तो कहां चले गए राजस्थान, कहां चले गए इधर उधर। सब बात करो लेकिन पहले मणिपुर की बात तो करो। संसद के मॉनसून सत्र का आगाज हो चुका है। मणिपुर में जारी हिंसा के चलते संसद के दोनों सदनों में सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही, जिसके चलते दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। I am raising my hand and I am not given chance to speak on 267 rules and 267 I have already given earlier morning 9 o'clock I send my people before that only so that others can give you should submit because tomorrow you can say that you have not given the notice in time. So I have made my full efforts to attract your attention and give notice. But unfortunately, I am not allowed to raise this 267. And you know the Manipur is burning. And shame, shame. Manipur is burning. And the women are raped and naked, paraded, everything. And Prime Minister is keeping quiet. He is giving a statement outside. He is giving a statement outside. Honorable members, honorable members, honorable members, I expect the leader of the opposition. The house is not in order. The house stands adjourned to meet on Friday, 21st July 2023 at 11 a.m. अपोजिशन के तरफ से जो मांग किया था मणिपुर पे चर्चा होना चाहिए, हमने ये स्पष्ट कर दिया है। माननीय राजनाथ सिंह जी डिप्टी लीडर साहब ने भी स्पष्ट किया है कि हम सदन दोनों सदनों में चर्चा करने के लिए तैयार है। मणिपुर से एक संवेदनाशील विषय है, एक मानव संबंधित बहुत बड़ा संवेदना का विषय है, इसलिए हम चर्चा करना चाहते हैं और चर्चा के उत्तर भी डिटेल में गृह मंत्री जी देगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, कृपया सुचारू रूप से सदन चलाने के लिए सहयोग करें, लोग देख रहे। बहुत महत्वपूर्ण बिल्स है वो भी पारित करना है, बहुत विषय है वो भी चर्चा करना है। मणिपुर में हम चर्चा करने के लिए तैयार है। तिथि माननीय स्पीकर डिसाइड करने दो, हम तैयार है सर, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। मेरा आपसे निवेदन है, आप सभी वरिष्ठ मेंबर हो, सरकार का मन खुला है, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा के लिए बोले, आप लोगों को बैठकर चर्चा शुरू करो। सभा की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 21 जुलाई 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। मणिपुर के वायरल वीडियो और पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा, सुनिए। जब सदन शुरू हो चुके हैं
तब सदन को नेता खुद बाहर खड़ा होकर बयान दे और वो भी मणिपुर जैसे मुद्दे, जिस मुद्दे पे लेकर हम शुरू से ही सदन के अंदर चर्चा मांग रहे हैं और सदन के अंदर चर्चा करने से पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की अपना स्टेटमेंट मांग रहे हैं, तो मुझे बड़ा अजीब लग रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब सदन की नेता होते हुए भी जिस बात सदन की अंदर रखना चाहिए वो सदन की बाहर रख रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को यह गुजारिश करूंगा कि आप सदन के अंदर आके आपका जो अब तक की जो चुप्पी साधी रहते आप, ये चुप्पी सदन के अंदर आके तोड़ना चाहिए और आप सदन के अंदर आओ। मणिपुर जल रहे हैं, हिंदुस्तान की खतरा है और ये खतरे से निपटने के लिए सदन सबसे बड़ा एक फोरम होते हैं। इधर उधर की बात मत करना चाहिए, एक कहावत है इधर उधर की बात मत कर, बता कपिला कैसे लूटा। जब मणिपुर की बात हम मांग रहे हैं तो कहां चले गए राजस्थान, कहां चले गए इधर उधर, सब बात करो लेकिन पहले मणिपुर की बात तो करो। मणिपुर जैसा ऐसा हालात हिंदुस्तान की कोई दूसरे राज्य में है क्या, आप बताओ, वो भी बताओ सदन के अंदर आके, बाहर क्यों। तो इसलिए मोदी जी एक बात आपको कहना चाहते हैं, कहावत के मुताबिक इधर उधर की बात ना कर, बता काफिला कैसे लूटा।